और अब सपा के विधायक इरफान सोलंकी की बात करते हैं। सपा के विधायक इरफान सोलंकी के आंसू की बात करें तो इरफान को आज कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इरफान सोलंकी जब कानपुर की जिला जेल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। परिवार को देखकर वो भाविक हो गए। उनके सामने उनका पूरा परिवार खड़ा था, लेकिन ना तो वो अपनी बेटी से बात कर पाए और ना ही पत्नी से। दूर से खड़े होकर ही इरफान ने अपने हालात का एहसास करवाया। इरफान की पत्नी ने सरकार से अपील की कि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। महाराजगंज जेल जाने के लिए इरफान सोलंकी कानपुर की जिला जेल से बाहर निकले तो हाथ में कुरान थी, चेहरे पर परेशानी वाला भाव और दिल में परिवार से दूर जाने का दर्द। सपा विधायक इरफान सोलंकी जैसे ही जेल से बाहर निकले उनकी नजरों ने सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढा। जैसे ही माँ, पत्नी और बच्चे दिखाई दिए तुरंत हाथ हिलाकर अभिवादन किया, परिवार को देख कर भावुक हो गए। निकले, देखिए इरफान सोलंकी निकल आए हैं, अपने हाथ में मुझे लगता है कि कुरान लिए हुए हैं इरफान। और इरफान देखिए इशारा कर रहे हैं, कुछ बात करने के लिए अपने परिवार को देख रहे हैं, परिजनों को देखे हुए हैं। इरफान ये क्या लिए इरफान? कुछ ही सेकंड में पुलिसकर्मी इरफान सोलंकी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। इस बीच थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी हुई जिस पर इरफान को गुस्सा आ गया। अरे 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 धक्का क्यों दे रहे हो? इरफान सोलंकी भावुक थे, नजरों के सामने परिवार तो था लेकिन किसी से भी एक शब्द बात तक नहीं हो पाई। इससे पहले जब 2 दिसंबर को इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया था तब उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी मौजूद थी। उस वक्त भी इरफान काफी रोए थे। इरफान सोलंकी अभी तक कानपुर जेल में थे तो अक्सर परिजनों से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल पहुंच गए हैं। ऐसे में परिवार वालों से मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। परिवार को सबसे ज्यादा चिंता इरफान की सुरक्षा का है। जेल बदल दी गई, हमने देखा काफी रो रहे थे। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ जेल बदलने पे कुछ कहेंगे? सरकार ने जेल बदल दी, कुछ का मांग करेंगे, कोई अपील? बस इनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। हमने देखा हाथ हाथ फॉलो कर रहे थे, हाथ अभिवादन कर रहे थे जी। इनको बुलाए, इसीलिए बच्चों को बुलवा लिया था। आप लोगों से बात हुई थी बच्चों को लेकर? बहुत दूर भेज दिया तो बच्चे पता नहीं जा पाएंगे, इसलिए। बेटी परेशान है, पत्नी परेशान है और माँ तो परेशान है ही। इरफान को लेकर पुलिस महाराजगंज के लिए निकली, उधर माँ की आंखों का बांध टूट गया। देखिए माँ है इरफान की, हम आपको दिखा सकते हैं, उनके भाई इरफान के बात करने से मना कर रहे हैं। स्थिति समझी जा सकती है, वो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसा माहौल है, ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं है माननीय विधायक का कि जिससे उनको यहाँ से इतनी दूर जेल में महाराजगंज भेजा जाए, ना ऐसा कोई उनका बैकग्राउंड आपराधिक है। भाई प्रशासनिक आधारों पर ये बोला गया है, मुझे लगता है कि प्रशासनिक आधार पर कहीं ना कहीं कुछ मिसकंसेप्शन है, कहीं ना कहीं कुछ या तो ज़्यादा हार्ड हो गया प्रशासन, पता नहीं कौन सी ऐसी बात है कि ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता। महिला का प्लॉट कब्जा करने की कोशिश और आगजनी के मामले में इरफान जेल में बंद हैं। इसके अलावा उन पर बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद को भारतीय बताने का प्रमाण पत्र देने का भी आरोप है। अब इरफान की सलाखों का नया पता महाराजगंज हो गया है। जिला जेल कानपुर की तरफ से प्रशासनिक आधार पर और सुरक्षा के मद्देनजर एक पत्र लिखा गया था कि इरफान सोलंकी की जेल बदली जाए क्योंकि वो एक विधायक हैं और तमाम लोग उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में शासन स्तर पर 20 तारीख को फैसला हुआ और 20 तारीख को पत्र में अनुमति प्रदान की गई पूर्वी उत्तर प्रदेश की किसी जेल में शिफ्ट करने के लिए। इरफान की नई मुश्किल बांग्लादेशी रिजवान के मामले को लेकर है। पुलिस ने इरफान सोलंकी के उस प्रमाण पत्र की जांच के लिए सपा विधायक से मंगलवार को जेल में 1000 से ज्यादा बार सिग्नेचर करवाए। ये सिग्नेचर उनसे 50 से ज्यादा पन्नों पर करवाए गए। अब सिग्नेचर का मिलान लेटर हेड पर हुए हस्ताक्षर से करवाया जाएगा। इसके लिए हस्ताक्षर के नमूनों को
झांसी की फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। एक तरफ सपा विधायक पर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ सपा ने भेदभाव की कार्रवाई का आरोप लगाते हुए हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव खुद इरफान सोलंकी से मिलने कानपुर जेल पहुंचे थे, लेकिन उसके ठीक बाद इरफान पर नया मुकदमा दर्ज हो गया। कुल मिलाकर इरफान अब कानपुर से महाराजगंज की जेल में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन सियासत आज भी उसी जगह टिकी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।